हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ नौवीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल मैं कराऊंगा, जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सत्य है या असत्य, इसके लिए आपको पहला सवाल बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये बताइए सत्य है या असत्य है? तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा सत्य, ठीक है ना। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? सत्य। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए उस चीज़ को समझने के लिए हम नीचे एक परिभाषा देखते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और ठीक है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब क्या हो दोस्तों? जैसे कि वो 2/3 के रूप में हो सकती है, 4/5 के रूप में हो सकती है, यानी कि जो PQ के रूप में होगी। और अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √1 हो गया, ठीक है, √7 हो गया। तो ये क्या दोस्तों? ये एक अपरिमेय संख्या है जिसका रूट बाहर नहीं निकलता है। यानी कि देखिए, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 का क्या हो जाता है? 2। यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाए दोस्तों? इसका रूट हो जाता है 2। तो ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसका किसी का भी नहीं निकलता, इसका किसी का भी रूट नहीं निकल सकता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे इसको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? PQ के रूप में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में से कोई भी नंबर वास्तविक संख्या हो सकती है। चाहे तो अपरिमेय हो तो भी वास्तविक होगी, और परिमेय संख्या होगी तो भी वास्तविक संख्या होगी। इसीलिए क्वेश्चन क्या दोस्तों? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। आप समझ में आ गया? इसलिए इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? सत्य। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब दूसरे प्रश्न को ध्यान से बिल्कुल समझते हैं। दूसरे प्रश्न में ये कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या होता है? √m के रूप में होता है, जहाँ m क्या है? m एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि m एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, संख्या है। अब ये बताइए कि सत्य ही असत्य है? तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? ये होगा असत्य, ठीक है, असत्य। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, और इस क्यों का जवाब समझने के लिए आपको बोर्ड की तरफ बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि संख्या रेखा कैसी होती है। संख्या रेखा ऐसी होती है जिसमें 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, फिर 5 होती है। इस तरीके से वो लगातार संख्या बढ़ती रहती है। इसके दाएं पक्ष की मैं बात करूं दोस्तों, उल्टा हाथ में तो माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है और माइनस का 3 होता है। यानी कि इधर वाली क्या होती है दोस्तों? इधर वाली होती है ऋणात्मक, यानी कि माइनस की, और 0 से इधर क्या होती है दोस्तों? धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, जो प्लस की होती है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते जाए, एक एक चीज़ समझते जाए दोस्तों। अगर आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि मैथ आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, यानी कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता मैथ, अगर एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझा तो, ठीक है। रट्टे नहीं माने समझना है। अब यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने बोला कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, m के यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी हमारे पास जो m, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद m यहाँ पे लिया 3, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5। जब ये खुद ही कहा जा रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से शुरू होती है, और इन सबको इन्होंने क्या माना है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इन्होंने क्या माना है, ठीक है, एम मान के चल रहे हैं। फिर सारी प्राकृतिक संख्या, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, वो क्या दोस्तों? वो एम के रूप में होगा। यानी कि ये √ हो गया और एम की जगह 2, फिर ये √ हो गया दोस्तों, फिर एम की जगह 3 लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपने एक देखा कि प्राकृतिक संख्या तो सब प्लस में आ रही है, यानी कि इधर वाली √m के रूप में हो सकती है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि एक भी हो सकता है, m की जगह 2 भी हो सकता है, m की जगह 3 भी हो सकता है, m की जगह 4 भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन क्या ये माइनस का हो सकता है? क्या आप कभी ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 2? बिल्कुल नहीं हो सकता है। माइनस का 3? तो ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा और ऐसा कभी लिखा भी नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों?
कि संचय रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि सभी बिंदु एम के रूप में नहीं होती है, क्योंकि यहां से जो मानस है दोस्तों ये तो आते ही नहीं है। तो संचय रेखा पर ये कुछ बिंदु है जैसे मानस का एक, मानस का दो, मानस का तीन, या संचय रेखा पर मानस का एक दो तीन जो है दोस्तों वो कभी भी एम के रूप में नहीं होता है, इसलिए ये क्या दोस्तों ये असत्य हो गया। अब उम्मीद करें कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और ध्यान से देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को नीचे दिए कमेंट बॉक्स से दोस्तों वहां पर जाके कमेंट करिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों ये हमारा क्या होगा असत्य, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा असत्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही वाले कंडीशन, यानी कि देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय होती है या फिर अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, लेकिन याद रहे दोस्तों, ठीक है, लेकिन याद रहे, ठीक है कि हमें क्या करना है कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है दोनों होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है तो नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। चलिए इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लिखेंगे कि वास्तविक संख्या में, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या में क्या होता है दोस्तों, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या यहाँ पे खुद ही कह रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय के रूप में होती है, बिल्कुल ही गलत कहा जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल ही गलत इन्होंने सवाल कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ इतना का, अगर वास्तविक संख्या में सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है तो हम कह सकते थे कि हाँ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि परिमेय संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, सभी के सभी अपरिमेय संख्या नहीं होती है, समझ गए दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो दोस्तों वो अपरिमेय संख्या क्या होती है नहीं होती है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय भी शामिल होती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अपरिमेय भी शामिल होती है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही शामिल होती है, यही एक सत्य है। और यहाँ पर सिर्फ एक परिमेय के बारे में बात की गई है कि वास्तविक संख्या में सिर्फ अपरिमेय संख्या शामिल होती है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा कि इसमें दोनों यानी कि परिमेय संख्या 2/3 भी, 4/5 भी लिख सकते हो, और अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके, नमस्ते एंड बाय। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परिमेय और अपरिमेय संख्या का वीडियो मैंने बना रखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसका लिंक ओपन कर सकते हैं और वो वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, नमस्ते एंड बाय।